आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगडी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. महाराष्ट्र की सीमा पर गूंजी सीमावासियों की आवाज. शीतकालीन सत्र के शुरुआत में दोनों सदनों ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी. बीजेपी के सामने मतदाताओं से किए गए वादों को पूरा करने की चुनौती है. मिजोरम चुनाव में सत्ता परिवर्तन की बयार. कोल्हापुर जिला रेणुका भक्त संघ की वार्षिक बैठक संपन्न. मराठा आरक्षण का मुद्दा अब संसद में उठाया जाएगा. कमतगा गांव में हाथियों के आने से डर का माहौल. कंधे पर हल रखकर विधानसभा तक मोर्चा किया. या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब. म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी. जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात, तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा. बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा. तुमची आवडती सारी लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमती. बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाडी, बेलगावी. यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर. सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी. थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी. और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस. सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग. अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेळगावी. अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध. वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल. ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक, स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ती. नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा. अब समाचार विस्तार से. केंद्रीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीने कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने और महाराष्ट्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सोमवार सुबह शिनोली में चलो शिनोली का नारा लगाया. रास्ता रोको आंदोलन चलाया गया. बेलगाम जिला पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था के बहाने कारण वैक्सीन डिपो मैदान में समिति की आम बैठक की अनुमति नहीं दी गई. महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने शिवसेना के सहयोग से महाराष्ट्र के शिनोली में रास्ता रोको विरोध का प्रदर्शन किया. समिति के नेता मोर्चा और कर्नाटक की पुलिस के साथ संघर्ष देखा गया. महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर किनेकर, महासचिव मालोजीराव आष्टेकर, कोल्हापुर के शिवसेना नेता विजय देवरे, जिला प्रमुख प्रभाकर खांडेकर, समिति नेता रमाकांत कोंडुसकर, प्रकाश मरगा, पूर्व महापौर सरिता पाटील आदि उपस्थित थे. शीतकालीन सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी. कर्नाटक विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज सोमवार से बेलगाम के सुवर्णसौध में शुरू हो गया है. शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई. विधानसभा में स्पीकर यूटी खादर और विधान परिषद में बसवराज होरट्टी ने मृतकों के लिए शोक प्रस्ताव पेश किया. मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, विपक्ष के नेता आर अशोक, गृहमंत्री जी परमेश्वर, मंत्री एच के पाटिल, भाजपा एम विजयेंद्र समेत अन्य विधायकों ने श्रद्धांजलि दी. वहीं दोनों हॉल में 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई. बीजेपी के सामने मतदाताओं से किए गए वादों को पूरा करने की चुनौती है. विधानसभा चुनाव के नतीजों से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार मिटाने, भाई भतीजावाद खत्म करने, गरीबी हटाने का वादा मतदाताओं के लिए कांग्रेस की योजनाओं से ज्यादा आकर्षक है, जो सस्ते सिलेंडर, जातिवार जनगणना, पुरानी पेंशन का वादा करती है. योजना 50 लाख रुपए तक इलाज, 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस से छीन कर और मध्य प्रदेश को बरकरार रखकर बीजेपी ने चुनाव में पूर्ण सफलता हासिल की है. हालांकि कांग्रेस ने अकेले दम पर तेलंगाना में जीत हासिल की और यहां दक्षिण में अपना प्रभाव बढ़ाया, लेकिन देश के हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की ताकत बढ़ी है और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी पार्टी को काफी ताकत मिली है. लोकसभा की राह तो आसान हो गई है, लेकिन अब बीजेपी को अपने वादे पूरे करने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा. मिजोरम चुनाव में सत्ता परिवर्तन की बयार.
मिजोरम राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार दोपहर को घोषित किए जा रहे हैं। मिजोरम में पहली बार चुनाव लड़ रही जोराम पीपुल्स मूवमेंट 26 सीटों पर आगे चल रही है और राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट को सत्ता से बाहर करती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। जेडीपीएम का नेतृत्व मुख्यमंत्री पद के दावेदार लाल दोहोमा के हाथ में है। मौजूदा मुख्यमंत्री जोरम थंगा अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। अब तक 39 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जेडीपीएम ने 27 सीटें जीती है, बाकी 2 सीटें अलग अलग पार्टियों के खाते में गई है। एनएमएफ ने 10 सीटें और बीजेपी ने 2 सीटें जीती है। कोल्हापुर जिला रेणुका भक्त संघ की वार्षिक बैठक संपन्न। 25 दिसंबर को पूर्णिमा पर होने वाली सौंदर्य यात्रा की तैयारी के लिए कोल्हापुर जिला रेणुका भक्त एसोसिएशन के शहरी सदस्यों की वार्षिक बैठक रविवार 3 दिसंबर को शिवाजी मंदिर शिवाजीपेट में एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री युवराज मोले की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मार्गशीर्ष माह में बैठक के प्रारंभ में संस्था के सदस्य विनोद चंद्रकांत चव्हाण प्रभाकर रामचंद्र पायमल द्वारा रेणुका माता की छवि का पूजन किया गया। अध्यक्ष श्री युवराज मोले ने सभी उपस्थित जनों का स्वागत किया एवं परिचय दिया। परिचय में उन्होंने संगठन की वर्तमान स्थिति और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा की। मराठा आरक्षण का मुद्दा अब संसद में उठाया जाएगा। मराठा आंदोलन का मुद्दा पिछले कई महीनों से राज्य में चर्चा में है। मामला केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास भी चला गया है, इसलिए अब मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार इस मामले में कोई समाधान निकले। ठाकरे समूह की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी आज संसद में मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाने जा रही है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। इस मौके पर प्रियंका चतुर्वेदी आज संसद में मौजूद रही। ANI ने उनसे बात की। इस वक्त उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वो मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे। कमतका गांव में हाथियों के आने से डर का माहौल। ऐसा माना जाता है कि खानापुर तालुका के गुंजी से कुछ किलोमीटर दूर कमतका गांव में कुछ हाथियों के आने से कुछ देर के लिए डर का माहौल बन गया, लेकिन जब ग्रामीणों ने उन्हें भगाने के लिए चिल्लाया तो हाथी डिगे गली की ओर से चले गए, जिससे एक गांव और वहां के किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ। समझा जा रहा है कि हाथी इस इलाके में आ गए हैं। जैसे गांव वालों की नज़र इस पर पड़ी तो उन्होंने दूर से अपने मोबाइल फोन से इसका वीडियो बना लिया। हाथियों को देखकर इस इलाके की महिलाएं सिर पर लकड़ी का बोझ रखकर सड़क से गांव की ओर भाग गई। कंधे पर हल रखकर विधानसभा तक मोर्चा किया। इस सीजन के गन्ना सोयाबीन कपास और अन्य फसलों का लागत के मुकाबले भुगतान करने की मांग को लेकर कर्नाटक राज्य रैत एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रविवार को यरगट्टी से अपने कंधों पर हल लेकर विधानसभा तक मोर्चा किया। पुलिस ने इस पदयात्रा में सिर्फ 10 कार्यकर्ताओं और किसानों को ही इजाजत दी है। पदयात्रा की शुरुआत कर्नाटक राज्य रैत एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष राजू पवार ने की। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद यदि किसानों की मांगे मान ली गई तो आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, अन्यथा गुरुवार को सुबह 11 बजे बेलगाम के कित्तूर चन्नम्मा सर्कल से जुलूस निकालकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, देखते रहे स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक कि होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना मारुति गली बेलगाम। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1,000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज हुंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज हुंडा डियो स्कूटर, तीसरा प्राइस 50 इंच LED TV और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस।
सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड मारुति गल्ली बेलगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली बेलगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खड़े बाजार बेलगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खड़े बाजार बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत, बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने तीन राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सत्ता स्थापित कर ली है। इसको लेकर बेलगाम महानगर भाजपा ने जीत का जश्न मनाया। कित्तूर चन्नम्मा सर्कल स्थित श्री गणेश मंदिर में महाआरती की गई। जोर शोर से उद्घोषणा के साथ उत्सव मनाया गया। नागरिकों को मिठाइयां भी वितरित की गई। भाजपा ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव जीता गया। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी लोकसभा चुनाव भी इसी तरह सफलतापूर्वक जीता जाएगा। इस मौके पर पूर्व विधायक अनिल बेनके समेत भाजपा पार्षद और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। हलगा मराठी स्कूल का वार्षिकोत्सव पूर्व छात्रों ने मनाया। मराठी स्कूलों को बनाए रखने के लिए पूर्व मराठी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए छात्रों से पहल करने की अपील प्रोफेसर मायाप्पा पाटिल ने की। हलगा में प्राथमिक मराठी स्कूल के 140वां वर्षगांठ पर मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षक ने की। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य चनाराज हट्टीहोली ने स्कूल को 40 बेंचों की मदद की। स्कूल पूर्व शिक्षकों और स्कूल के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। सुधार समिति और पूर्व छात्र संस्था द्वारा किया गया। पूर्व छात्र यादें ताजा करने के लिए एकत्रित हुए। बेलगाम न्यायालय में उच्च न्यायाधीश की सद्भावना यात्रा। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और बेलगाम जिला प्रशासनिक न्यायाधीश पीएस दिनेश कुमार और न्यायमूर्ति शीशानंद ने हाल ही में बेलगाम जिला न्यायालय का सद्भावना दौरा किया। इस अवसर पर बेलगाम बार एसोसिएशन द्वारा न्यायमूर्ति दिनेश कुमार एवं शीशानंद का श्रीफल एवं शॉल एवं माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। बेलगाम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चव्हाण, उपाध्यक्ष एडवोकेट सचिन शिवनावर, सचिव एडवोकेट गिरिराज पाटिल और संयुक्त सचिव एडवोकेट बंटी कपाई द्वारा किया गया। न्यायालय परिसर में पार्किंग की समस्या के समाधान एवं नेशनल बैंक की शाखा खोलने के संबंध में न्यायमूर्ति पीएस दिनेश कुमार को एक बयान सौंपा गया। वाहन प्रशिक्षण संघ की विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को धरना देंगे। वाहन प्रशिक्षण केंद्र चालक संघ की विभिन्न मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग को लेकर शुक्रवार को धरना देंगे। यहां सुवर्ण सौध के सामने संगठन एक दिन का सत्याग्रह धरना देगा। 8 तारीख को हुबली शहर से लगभग 1000 वाहन रैली के माध्यम से इस आंदोलन में भाग लेंगे। संगठन के उपाध्यक्ष बसवराज कदली ने जानकारी दी है कि वे यहां सुवर्ण सौध के सामने धरना देंगे। वह शनिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। वाहन प्रशिक्षण शुल्क बढ़ाया जाए, इसके साथ ही अन्य मांगों के लिए 8 तारीख को चलो बेलगाम का आह्वान किया गया। कद्दी ने इस समय यह जानकारी दी। संगीत कलाकार संघ के अध्यक्ष पद पर नंदन हेरलेकर का चयन। संगीत कलाकार संघ की वार्षिक आम बैठक हाल ही में आयोजित की गई। इस वर्ष इस संगठन में नए सदस्य शामिल हुए हैं। नवीन कार्यकारिणी इस प्रकार है: अध्यक्ष नंदन हेरलेकर, उपाध्यक्ष मुकुंद गोरे, सचिव प्रभाकर शापुरकर, सहायक सचिव विजय बांदिवडेकर, कोषाध्यक्ष दीपक कुलकर्णी और सदस्य राजप्रभु धोत्रे, जगन्नाथ धर्माधिकारी, रोहिणी कुलकर्णी, रोहिणी गणपुले, अर्चना लावड़े, गुरुराज कुलकर्णी, योगेश रामदास, अंगद देसाई, ऋषिकेश हेरलेकर है और शारण बेलुबी है। बेकिनकेरे में नागनाथ मंदिर की छठी वर्षगांठ। बेकिनकेरे में नागनाथ मंदिर की छठी वर्षगांठ समारोह हुआ। रविवार को समारोह 3 दिसंबर को बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। सुबह मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ठीक 11 बजे गांव के प्रवेश द्वार गणेश मंदिर के प्रांगण से भव्य शोभायात्रा शुरू हुई। कुछ महीने पहले नागनाथ मंदिर में भगवान नागनाथ की मूर्ति गायब हो गई। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने भगवान नागनाथ के 5 किलो चांदी के मुखौटे के साथ फिर से मंदिर का दौरा किया। नागनाथ मंदिर की शोभायात्रा घंट घड़ियाल बजाकर प्रारंभ की गई। स्वच्छता कर्मी सम्मान समारोह संपन्न। स्वच्छता अभियान में लोगों की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। यह बात सरदार हाईस्कूल के शिक्षक रंजीत चौगुले ने की। वे हनुमान नगर में देसाई परिवार की ओर से आयोजित सफाई कर्मियों के सम्मान समारोह में वक्ता के रूप में बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य आर जी देसाई थे। मंच पर प्राचार्य सयाजी सावंत, स्वच्छता पर्यवेक्षक शांतायम पाटिल उपस्थित थे। यह प्रशस्ति समारोह प्राचार्य आर जी देसाई की संकल्पना के रूप में डेचिबा का आयोजन देसाई कॉलोनी में किया गया। मोहन मित्री ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर सफाई कर्मचारी भी मौजूद रहे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।